रश्मिका मंदाना और विकी कौशल के अंडरवेयर एड को देख भड़के लोग। एड में रश्मिका को विकी का अंडरवेयर देखकर रोमांटिक होते हुए दिखाया गया है। इन दोनों स्टार्स के इस एड की कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आलोचना की, साथ ही कमेंट कर उन्हें ट्रोल भी किया। नेपोटिज्म पर सोनाक्षी सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। सोनाक्षी सिन्हा ने स्टार किड्स को लेकर बड़ी बात बोली है। उन्होंने वेबसाइट पिंक विला से खास बातचीत में कहा है कि सिर्फ आउटसाइडर्स को ही नहीं, स्टार किड्स को भी फिल्मों से निकाला जाता है, लेकिन वो किसी के पास रोने नहीं जाते हैं। सोनाक्षी ने ये बात बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार किड्स को मिलने वाले फर्स्ट प्रायोरिटी को लेकर होने वाली बहस पर कही है। उनके इस बयान की काफी चर्चा हुई। सोनाक्षी ने साफ साफ लफ्जों में दो टूक कहा है कि स्टार किड्स पर बहस बेकार है। खबरें आ रही है कि बिग बॉस का हिस्सा बनने में रिया चक्रवर्ती से जुड़े कानूनी मामले आड़े आ रहे हैं। बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट की माने तो रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स केस को लेकर चल रही एनसीबी की जांच बिग बॉस के घर में उनकी एंट्री के बीच रोड़ा बन सकती है। हालांकि अभी तक इन सभी रिपोर्ट्स की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। कार्तिक आर्यन ने अपनी अगली फिल्म फ्रेडी की शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी देते हुए कई तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट किए हैं। शिल्पा शेट्टी ने किया हुआ एक पोस्ट आज खबरों में छाई रही। शिल्पा ने हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक किताब के पेज का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए शिल्पा प्यार और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बता रही है। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से होगी बॉक्स ऑफिस पर नए साल की शुरुआत। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। आलिया भट्ट और अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए फैंस को बताया कि ये मूवी 6 जनवरी 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। खबर है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बाद पुश्तैनी कृष्णराज बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। आज आलिया और रणबीर बंगले के कामकाज का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान नीतू कपूर भी हुई स्पॉट। रणबीर और आलिया के फैंस को लग सकता है झटका। स्पॉट बॉय की एक रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर और आलिया फिलहाल शादी के मूड में नहीं हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के एक दोस्त ने इस बात का खुलासा किया है कि दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं और दोनों सही टाइम आने पर शादी भी करेंगे, पर कब, इस पर अभी कुछ भी कहना गलत होगा। अब इस रिपोर्ट की माने तो ये कपल फिलहाल शादी नहीं कर रहा। विकी कौशल की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म सरदार उद्धम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मुंबई में हुए फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर विंटेज कार में विकी कौशल की हुई धमाकेदार एंट्री। अजय देवगन की फिल्म मैदान की रिलीज डेट भी सामने आई। ये फिल्म 3 जून 2022 को थिएटर में रिलीज होगी।